जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पीरियड का मिस होना। अब एक चीज़ बताइए कि पीरियड किस में आता है बाबू? देखिए फीमेल यानी महिला में क्या आता है? तो पीरियड आता है। ये पीरियड पुरुष के अंदर नहीं आता। अभी मत कहिएगा कि अरे बाप बाप हमारे बबसीर भैया है और खून हमारा बबसीर है। जहाँ बैठते हैं ससुरा तहाँ खून आ जाता है। लगता है ससुरा जमाना उल्टा हो गया है कि हर काम अब पुरुष को भी करना पड़ेगा। तो भैया पुरुष के अंदर पीरियड नहीं आता है। किसके अंदर आता है? तो महिला के अंदर आता है। लेकिन ये पीरियड कभी कभी क्या होता है? मिस हो जाता है। पता नहीं चलता है कि कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। सुन भाई क्या, अब हम समझते हैं कि पीरियड आके मिस कैसे होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पीरियड को लास्ट डेट 35 या 38 दिन का ही होता है। जैसे देखिए किसी महिला में पीरियड 28 दिन का हो सकता है, किसी में 30 दिन का हो सकता है, किसी में 32 दिन का, किसी में 35 दिन का, लेकिन लास्ट कितना होना चाहिए? 38 दिन। यानी देखिए किसी में 28 दिन का हो सकता है, किसी में 30 दिन, किसी में 32 दिन, 34 दिन, 35 दिन या 38 दिन, इसी के बीच में अगर पीरियड आता है तब तो ठीक है, लेकिन जब इससे ज़्यादा होने लगा तो आपके लिए समस्या होता है। समझ गया? अब देखिए कारण क्या होता है। देखिए पहला कारण क्या होता है? तो गर्भवती होना। देखिए जैसे महिला शारीरिक संबंध बनाती है ना, तो जैसे स्पर्म और अंडा जाके एक साथ मिल जाते हैं, जैसे समझिए मान लीजिए यहाँ उसका जा रहा है स्पर्म जा रहा है, देखिए स्पर्म जा रहा है, ओवरीज क्या निकल गया बाबू? तो अंडा। देखिए जब एग यानी अंडा और स्पर्म, देखिए जब स्पर्म और अंडा एक में जाके मिल जाते हैं ना, तब क्या होता है? तो गर्भ में बच्चा रुक जाता है। अब जैसे गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो महिला क्या हो जाती है? तो गर्भवती हो जाती है। अब जैसे महिला गर्भवती हो जाती है ना, तो उसके अंदर पीरियड नहीं आता है। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि गर्भवती होना, यानी जैसे महिला गर्भवती होती है उसके अंदर पीरियड मिस हो जाता है। अब देखिए अगला होता है मेनोपॉज आना। ये क्या होता है? देखिए जब पीरियड आना बंद हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? तो मेनोपॉज बोलते हैं। यानी पीरियड का आना जब बंद हो जाता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन देखिए ये 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होता है? मेनोपॉज होता है। अब एक चीज़ बताइए ये ऐसा कहाँ होता है? तो देखिए ये उम्र के ऊपर निर्धारण है और ये प्राकृतिक ने क्या किया है, इसे निर्धारित किया कि देखिए जब महिला 45 से 55 वर्ष की हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? मेनोपॉज आना शुरू हो जाएगा, यानी पीरियड का आना बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए इस ससुराल जैसे लग रहा है कि अब जमाना उल्टा चल रहा है। किसी महिला में देखिएगा 25 साल में 28 साल में क्या हो जा रहा है? मेनोपॉज हो जा रहा है, यानी पीरियड का आना बंद हो जा रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? देखिए उम्र तो ठीक है भैया कि 45 से 55 वर्ष में होगा, तो जो महिला रहेगी वो बुढ़ा गई रहेगी, तो शारीरिक संबंध भी अगर बनाएगी तो क्या हो सकता है? बच्चे नहीं रुक सकते हैं। लेकिन ये कम उम्र में कहाँ होता है? देखिए कम उम्र होने का कारण क्या होता है? तो खान पान में भैया दिक्कत हो सकता है। आजकल का महिला सबको देखिए क्या कहेगी कि सैया जाई बाजार ले ले आई एगो कोको कोला। तो देखिए बाबू ये जन कोको कोला है, चाउमीन है, चाट है, बर्गर है, फुलकी है, ये सब खाने से क्या होता है? हमारे बहुत सारा कमी हो जाता है। लेकिन आजकल का लड़की को यह सब चाहिए, चाट खाएगी, फुलकी खाएगी, आधाई के दोनों टाइम हचड़ के खाएगी, आपको कहेगी भूख नहीं लगा है, पेट नहीं भरा है, तो ये सब क्या होता है? गलत चीज़ होता है। तो देखिए कम उम्र में ऐसा कहाँ होता है? खान पान में दिक्कत होने के कारण भी क्या हो सकता है? पीरियड मिस हो सकता है। समझ में क्या? अगला देखिए यूट्रस में दिक्कत। देखिए बाबू इसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। देखिए जो यूट्रस का लाइनिंग होता है इसे भी आके बच्चा क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी महिला के अंदर भैया 30 साल का है, 28 साल का है, अगर उसके यूट्रस में अगर जब दिक्कत हो जाता ना, तो जब दिक्कत हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगी, तो डॉक्टर बोलेगा एक चीज़ बताइए आपका जो यूट्रस है ना ये ख़राब हो चुका, अब हम क्या करेंगे? तो अब क्या करिएगा भैया, जान से बड़ा कुछ है नहीं, आप ठीक है डॉक्टर साहब इसको ऑपरेशन कर दीजिए। तो देखिए जब यूट्रस ही निकला जाता है तभी महिला के अंदर पीरियड मिस होता है, यानी पीरियड नहीं आता है। अगला देखिए ओवरी में परेशानी। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या बनता है? तो एग यानी अंडा बनता है। अब देखिए किसी किसी महिला में देखिएगा तो ओवरी में क्या होता है? कभी कभी गांठ बन जाता है, ट्यूमर हो जाता है। अब जब गांठ बन जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, तो पेट में बहुत ज़्यादा ससुरा दर्द रहेगा। अब जब पेट में दर्द रहेगा तो अब क्या करिएगा? रोज मरिएगा थोड़ी ना एकदम खटिया बिछाने पर, अरे बाप बा पेट और दुखाता है, डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा कि आपका जो ओवरी है इसमें गांठ बन गया है, इसको काट के निकालना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ओवरी को निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? पीरियड
मिस हो जाता है। लेकिन देखिए जो यूट्रस होता है और ओवरी में दिक्कत होगा तो ये तो महिला को भी पता चलेगा कि हमारी यूट्रस में ओवरी में दिक्कत है, भैया हमारी यूट्रस नहीं है ओवरी नहीं है इसलिए हमारा पीरियड मिस होता है। लेकिन कम उम्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो खान पान के दिक्कत की वजह से होता है, समझ में क्या। तो ये सब भी कारण क्या होते हैं तो पीरियड आना मिस हो सकता है। कम उम्र में खान पान का दिक्कत, यूट्रस में दिक्कत, ओवरी में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अधिक महिलाओं में तो उम्र के हिसाब से ये आता है और जैसे उम्र हो जाता है तो नहीं आता है, समझ में आएगा। उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। अगला देखिए पीरियड बंद होने में होता क्या है। देखिए पीठ में दर्द होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, अपचय यानी अब खाना खाइएगा तो अपचय आ लगता है, हमको उल्टी हो गया क्या भैया, हमारा भोजन नहीं पचता है, बड़ी गैस बनाता है। तो देखिए जब पीरियड बंद होने वाला रहेगा तो पीठ में दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, आप रास्ते में चलेगा हचाक से गिर जाएगा, कौन कहेगा अरे बापू बाप का हो गई हो के लगता है कुछ देखेगा, ओ माय गॉड इसी रास्ता पे तो ससुर चुराई लेती है, ये देख के चक्कर खा गई इसीलिए गिर गई। तो क्या होता है देखिए जब पीरियड बंद होने लगता है तो पीठ में दर्द होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा और अपचय होना शुरू हो जाता है, समझ में क्या। तो कब होता है जब पीरियड मिस होता है तब होता है। अब देखिए अगला वजह होता है वजन बढ़ना। अब देखिएगा कितना महिला कहती है नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे थोड़ी ना मने भैया, हमको स्कूटी चाहिए, हम पढ़ने जाएंगे, बस घूमेंगे, हमको कुछ काम से मतलब नहीं है, बस हचर के खाना है। तो जितना दबा के खाना खाएगी ना खाते खाते कितना दिन फौसावर आता है, एकदम हाथी से मोटा आ जाएगी। तो देखिए वजन अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है पीरियड मिस होने का कारण होता है, समझ में गया। अब देखिए वजन का घटना, अब जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है उसका वजन कितना है तो मान लीजिए 60 किलो का है, कितना है 60 किलो का, वो कहेगी लगता है बहुत ज़्यादा मोटा गए हैं हमको कम करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करके व्यायाम करके अगर अपने वजन को 50 केजी का कर लेती है, देखिए जब इस तरह से वजन घटेगा तब पीरियड में मिस नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इसका भाई जो वजन है 60 केजी लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गया, वो हो गई झुरा के 20 किलो का है 30 किलो का, जब इस उम्र में हो जाएगी जब अचानक से आपका वजन घट जाएगा ना तो जब अचानक से वजन घटेगा जिससे आपका तबीयत खराब हो गया चाहे एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, तो जब अचानक से आपका तबीयत में परिवर्तन हो जाता है और उसके वजह से वजन अगर घट जाता है तब क्या हो सकता है पीरियड मिस हो सकता है, समझ में गया। अब देखिए अगला होता है तनाव, यानी क्या होता है तनाव से ग्रसित हो जाने के कारण। तनाव देखिए दुनिया का ससुर सबसे खराब बीमारी है, जिसके अंदर तनाव हो जाएगा ना उसका जीवन ससुर पता नहीं चलेगा कि हमको जीना है कि मरना है। जैसे सिंपल सा बात मानिए अब कोई लड़का है कोनो लड़की है, वो दोनों आपस में क्या करते हैं प्रेम करते हैं, उनको लग गया प्रेम का रोग, शुरू हो रही है प्रेम कहानी आगे लगी है बरसा है पानी। तो क्या होता है आजकल के ज़माना में सबसे ज़्यादा तनाव किसके वजह से होता है भैया, तो लव वालन को होता है, चाहे शादी ब्याह हो जाएगा उसके वजह से हो सकता है। अब वो सब क्या करेगा जैसे मान लीजिए शादी ब्याह हो गया जो ना आपका मेहरारू आएगी, हो सकता है बढ़िया मिल सकती है बेकार भी मिल सकती है। तो देखिए चाहे अच्छा मिलेगी चाहे बुरा मिलेगी तो आपको तनाव बढ़ जाता है, कहाँ बढ़ जाता है भैया, आप दिन भर घूमेंगे अब अचानक से कमाना पड़ जाएगा, तो कमाने के लिए जाएगा तो लेबर ही करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा, आपको टेंशन हो सकता है, चाहे कहेगी ए अब तुमको मम्मी पापा से नहीं बोलना है उसका भी भैया दिक्कत है। यानी क्या होता है शादी भी हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आदमी में क्या हो जाता है तनाव हो सकता है, आपको भी हो सकता है आपकी पत्नी को भी हो सकता है। पत्नी को कैसे होगा आप धीरे रोज कूचिएगा मारिएगा चाहे उसके सामने कोनो दूसरे से बताइएगा ओ माई गार कैसी हो हमारे मेरे से सिर्फ बकलोन मिल गई है हम तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। तो क्या होता है महिला के अंदर इसकी वजह से तनाव आ सकता है, अब जैसे तनाव आएगा ना तो पीरियड मिस हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए किसी महिला के अंदर अगर 3 अगस्त को, आज कितना तारीख है भैया तो 3 अगस्त है, अब मान लीजिए किसी महिला को अगर 3 अगस्त को पीरियड आता है, अब उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया मानसिक तनाव हो गया चाहे अपने पति को लेके चाहे किसी भी चीज़ को लेके और उसे बहुत ज़्यादा तनाव है, तो क्या करेगी कहेगी हमारा पीरियड आता है 3 तारीख अब भुला गई हूँ, अब कहेगी अरे बाप हमारा पीरियड आता था 25 जुलाई को, क्या हो गया 25 जुलाई को हमारा पीरियड आता था, अब टेंशन में रहेगी उसको आता है कितना 3 अगस्त को लेकिन वो भुला गई है, वो सोच रही है हमारा पीरियड आता था 25 जुलाई को, अब जैसे 25 जुलाई आएगा तो इंतज़ार करेगी कहेगी अच्छा चला 25 तारीख को नहीं आया तो 26 तारीख को आएगा 27 तारीख को आया वो अब नहीं किया, अब उसके अंदर क्या होगा बहुत ज़्यादा
तना हो सकता है, तो तना हो जाने के कारण भी क्या हो सकता है, पीरियड मिस हो सकता है। समझ में क्या, इस तरह से भी क्या हो सकता है, पीरियड मिस हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब कारण होते हैं पीरियड मिस होने का। समझ में क्या, आइयो आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं में पीरियड मिस होने का कारण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।